हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को तो मिला दोस्त। यदि आप लोग भी भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के साथ ही द्वारकाधीश और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आए एक शानदार बजट टूर पैकेज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और ऐसी जानकारी के लिए कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। 11 नाइट्स और 12 डेज वाले इस टूर पैकेज की टूर डेट है 27 सितंबर 2023 और इसमें जो डेस्टिनेशन कवर्ड है वह है द्वारका, नासिक, शिरडी, सोमनाथ, उज्जैन और वाराणसी। सबसे पहले आप लोग उज्जैन में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सोमनाथ में आप लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारका में द्वारकाधीश टेम्पल और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। शिरडी में आप लोग साईं दर्शन, शनि सिग्नापुर मंदिर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। नासिक में आप लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और सबसे लास्ट में आप लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। अब बात करते हैं फैसिलिटीज के विषय में। तो यदि आप लोग इकोनॉमी क्लास का पैकेज लेते हैं तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी स्लीपर क्लास के माध्यम से होगी। नाइट स्टे करने के लिए बजट होटल में ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस के आधार पर नॉन एसी रूम, वॉश और चेंज करने के लिए बजट होटल में मल्टी शेयरिंग बेसिस के आधार पर नॉन एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास का पैकेज लेते हैं तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी थर्ड एसी क्लास के माध्यम से होगी। नाइट स्टे करने के लिए बजट होटल में ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस के आधार पर एसी रूम, वॉश और चेंज करने के लिए बजट होटल में ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस के आधार पर नॉन एसी रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी फैसिलिटीज है दोनों कैटेगरी में सेम है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप लोगों को नॉन एसी व्हीकल की सर्विस मिलने वाली है। आप लोगों के सारे मेल्स में केवल वेजिटेरियन फूड में मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाएगा। पैसेंजर्स का एक्सीडेंटल ट्रेवल इंश्योरेंस रहेगा। आप लोगों को इस टूर में प्रोफेशनल और फ्रेंडली टूरिस्ट कार्ड की सर्विस मिलेगी। ट्रेन में सिक्योरिटी की सर्विस मिलेगी। आप लोगों को टूर के दौरान आवश्यक सहायता के लिए IRCTC टूर मैनेजर की सर्विस मिलेगी और जो भी एप्लीकेबल टैक्स होंगे शामिल होंगे। आप लोगों के जो बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पॉइंट होने वाले हैं वह है कटिहार, पूर्णिया जंक्शन या पूर्णिया कोर्ट, दौरम, मधुपुरा, सहरसा, सुपौल, निर्मली, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा जंक्शन, आरा जंक्शन, बक्सर, दिलदार नगर और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होंगे। आप लोगों की हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस टूर पैकेज की बुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इस टूर पैकेज संबंधित आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों का कितना चार्ज लगने वाला है। तो यदि आप लोग इकोनॉमी क्लास का पैकेज लेते हैं तो पर पर्सन चार्ज होगा 19,980 रुपीज और यदि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास का पैकेज लेते हैं तो पर पर्सन चार्ज होगा 31,850 रुपीज। तो दोस्तों, ये थी टूर पैकेज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कुछ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टूर पैकेज में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।